गाइस, मैं हूं सनफ अफगान और आज लेकर आई हूं फिर से न्यू व्लॉग जो कि होने वाला फुल एंटरटेनमेंट व्लॉग। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं और गाइस आज बहुत ज़्यादा मस्ती भी होने वाली है हमारी, इसलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। और आप लोग बताइए कि आप लोग डे टाइम किस तरीके की ज्वेलरीज वेयर करती हैं। गर्ल्स मैं तो इस तरीके सिंपल सिंपल सी ज्वेलरी वेयर करती हूँ जो कि स्टोन वाली होती है। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या काम करते हैं हम लोग और क्या क्या शेयर करती हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। तो देखिए गाइस, आ गए हूँ मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि सुबह का टाइम हो गया था। और ये आधे मैंने पपड़ी ली है और आधी एक मैंने बिस्कुट लिया, ठीक है। ये होता है हमारा सुबह का नाश्ता जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट सा होता है क्योंकि सुबह मुझसे कुछ पराठा या रोटी खाई नहीं जाती है क्योंकि गाइस बस लगता है सिंपल से कुछ खाएं और क्योंकि हमें नींद भी लगी होती है ना गाइस। गाइस ये देखिए बाबू का हम लोग झबला लेकर आए हैं और इसको झबले को ना इस लड़की लोग पहनती है, हम लोग बाबू को पहनाने वाले कच्चू को, क्योंकि गाइस कच्चू भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी से इरिटेट हो रहा है और हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था गाइस। तो इसलिए और गाइस की नेकर इन लोगों ने इतनी छोटी दे दी है गाइस, अगर झबला बड़ा दिया था तो नेकर भी बड़ी देनी चाहिए इतना, लेकिन न्यू बॉर्न साइज है। लेकिन देखते हैं बाबू को आता है कि नहीं, और बाबू रोए जा रहा गर्मी की वजह से ऐसा कर रहा है भाई गाइस, क्योंकि गाइस क्या कहते हैं ना गर्मी की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो हम लोग ने इनको सैंडो पहना दिया है और उन्हें जा रही है इनकी मालिश करने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग कपड़ा चेंज करेंगे और इनको एकदम लाइट सा कपड़ा पहनाएंगे। तो गाइस ये देखिए झबला पहन चुके हैं और ये हमारी लड़की भी कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ये हमारी प्यारी सी बच्ची कैसी लग रही है आप सबको? और इसे बॉटल ऐसे नचा के फेंक रही थी गाइस, यहाँ तो क्या बताओ, बहुत गुस्सा आ रहा था इसको, बहुत गुस्सा आ रहा था, गर्मी की वजह से ऐसा कर रहा था गाइस, ऐसे नहीं करता है ये। और गाइस तरीके से देखिए ये पी रहे हैं बॉटल और उसी में चिल्लाए जा रहे हैं, मतलब गर्मी की वजह से अपने आप गुस्सा मार रहे हैं। देखिए गाइस कैसे अपने गुस्सा मार रहे हैं और इनकी ये सारी मस्तियाँ चलती रहती है। इसके बाद हम लोग दोपहर में खाना खाकर गाइस बाहर आ गए थे और आज हम लोग लेकर जाने वाले हैं गाइस फर्स्ट टाइम बाबू के लिए वॉकर लेने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं गाइस कैसा मिलता है, कितने का मिलता है और किस क्वालिटी का मिलता है। तो फर्स्ट टाइम आज हम लोग लेने जा रहे हैं बाबू के लिए कोई झूला, ठीक है, जिस बाबू उसमें चल सके और थोड़ा सा हम लोग का दिमाग फ्री छोड़े रहे। गाइस ने पागल कर चुका है हम लोगों को, मजाक कर रही थी। तो गाइस ये देखिए इस तरीके से हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी थी गाइस। मई जून का जो मौसम होता है गाइस उसकी गर्मी जो है ना गाइस वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो शुक्र है मौला का आजकल तो बारिश का टाइम हो, बारिश वाला मौसम हो रहा है। गाइस हम लोग आ गए हैं और देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी के वॉकर्स थे और गाइस ये पिंक लगा था, तो हम लोग ने कई वॉकर देखे और उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा कौन सा लेते हैं, बहुत कन्फ्यूज़ हो गए थे गाइस, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी इनके पास। और ये वाला था लेकिन ये वाला अच्छा था, रेड वाला गाइस ये थोड़ा सा कम से कम 7 से 8 मंथ के बच्चों का था, हमें तो लेना था 3 से 4 मंथ के बच्चों का, तो ये सब बड़ा हो जाएगा इसलिए उन्होंने कहा ये मत लीजिए आप, गिर जाएगा अभी वो छोटा है, और इसलिए वो दिखा रहे थे थोड़ा कम एज के बच्चों का जिसमें ना हाइट कम है, जिसमें वो लोग आराम से चल सके। ये गाइस इस वाले की पिंक वाले की हाइट भी ना सेम ही थी, ये भी 6 है, ये भी 7 से 8 मंथ के बच्चों का था, तो हम लोग इसे भी नहीं दिया और हम लोग इतना देखने बाद ये गाइस पसंद किया है और इसकी हाइट भी एकदम सही है और ये 3 से 4 मंथ के बच्चों को आराम से जाएगा। वही गाइस हम लोग आ गए थे और मम्मी ने कहा चलो थोड़ा कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स ले लेते हैं, क्योंकि घर के पास जो आते हैं गाइस घर पर जो बेचने आते हैं वेजिटेबल्स, वो उनकी वेजिटेबल्स बहुत बेकार होती है लेकिन गाइस उनका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए मम्मी ने कहा यहाँ से लेकर चलते हैं और अभी यहाँ से चल रहे हैं। और फिर गाइस हम लोग आ गए थे चाट खाने, चाट लेने के लिए चाट पैक करवा लिए थे गाइस, क्योंकि चाट जो है ना वो हर लड़की को पसंद होता है। तो मम्मी का चलो चाट ले लेते हैं और उसके बाद खाएंगे। तो गाइस उन्होंने पैक करवा ली थी, इतनी ज़्यादा धूप रखी थी कि हम लोगों ने खाने का नहीं सोचा वहाँ पर, मम्मी का घर चल के खाएंगे। तो गाइस ये हो रही है हम लोग की पैक बैगनी जिसे बोलते हैं जो बैगन से बनती है, ये डिश आप सबको पता होगा। उसके बाद मम्मी ने आ गई थी फ्रेश मैंगो जो कि ग्रीन मैंगो है, कच्चा आम है गाइस, तो इसका अचार भी बनाते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि ये पका कर भी आप खा सकते हैं, तो मैंने कहा मैं चटनी बनाऊंगी इसकी। तो और गाइस इसके पास फालसा भी था, बेल भी थी और बहुत अच्छी वैरायटी चीज़ें यहाँ पर थी। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना फ्रेश अवेलेबल थी, तो मम्मी का कुछ लेते हुए चलते हैं। अब आए हैं तो मम्मी ऐसी करती हैं गाइस, और मुझे इतना धूप चलाया उन्होंने पैदल। और गाइस यहाँ पर लेमन लेने लग गई थी और उसके बाद फिर मम्मी को दिख गया फ्रेश वेजिटेबल यानी टोमेटो, तो ये भी लेने आ गई थी। तो फिर गाइस मम्मी ने 1 kg टोमेटो लिया और उसके बाद मम्मी को याद आ गया कि अरे अरे रुको मेरे बच्चों का ना दाने वाली कटोरी नहीं है, ये भी लेने लग गई थी मम्मी। ये करती हैं गाइस, मुझे इतना चलाती है मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ बाहर। तो गाइस इतनी धूप में सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग ने फाइनली रिक्शा कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो गाइस हम लोग रोशन बाग से जाने वाले, लेकिन फिर ना हमारे रिक्शा वाले भैया पता नहीं क्या माइंड में आया, उन्होंने खुलदाबाद तरफ से मोड़ लिया और मेरी ने सारी शॉप देखना, मैं सोचा रिकॉर्ड करूँगी रोशन बाग की शॉप, लेकिन कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई उनके चक्कर में। और गाइस ये देखिए जा रही हूँ मैं खुलदाबाद की साइड से अपने घर और उसके बाद फिर आप लोग से मिलेंगे घर पहुँच कर कि बाबू को क्या क्या मस्ती की। और गाइस कि हम लोग आ गए हैं
असगरी मार्केट पर आ गए हम लोग, ठीक है, फाइनली असगरी मार्केट पर आ गए। और मम्मी ने कहा, अरे रुको रुको, यहाँ से तो बहुत मारे, भाभी ने कहा था कि गन्ने का जूस लेती आइएगा मम्मी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर रुको रुको, हम पहले गन्ने का जूस लेंगे और उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो गाइस बस ये फिर ले रही मम्मी 4 से 5 गिलास गन्ने का जूस ले रही हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर, और घर पहुँचने के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। गाइस बहुत फ्रेश फ्रेश इनके पास शुगर कैन था, और गाइस इस धूप में ना इन्हीं का सहारा होता है, और इन्हीं का सहारा होता है इनका पैसे ना, क्या बताऊँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा, बस इनको देखो और प्यास लग जाती है गन्ने के जूस को। तो मैंने 5-6 ग्लास गन्ने का जूस ले लिया सबके लिए घर पे, बस चल रहे हैं गाइस घर पे, अब फटाक से घर पहुँचना। और गाइस हम लोग आ गए हैं घर, और देखिए गाइस हम लोग ने ये वाला फाइनली पसंद कर लिया है वाकर बाबू का, और देखते हैं बाबू उसमें बैठता है, इसको कैसे फील होता है, वो क्या करता है, गिरता पड़ता क्या होता है, खुश होता है, हंसता है, रोता है, क्या करता है, ठीक है। तो इस तरीके का है, काफ़ी बड़ी बड़ी सी व्हील्स है, और ये देखिए गाइस मैंने इसे ओपन कर दिया है, और ये रहा इसका हॉर्न जो कि थोड़ा सा बजता है हल्का सा। और गाइस इस तरीके, और बाबू भी जा रही मम्मी वाकर में बैठने के लिए, बाबू भी एक्साइटमेंट में है। गाइस बाबू गर्मी के मारे इतना परेशान है ना गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ उसके बारे में। और ये देखिए गाइस, और फिर आ गए हैं वाकर में बाबू अंदर बैठने के लिए, और ये पैर ही नहीं डाल रहा था गाइस, डर के मारे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर मैंने इसको पकड़ कर पैर से दोनों साइड में क्रॉस करवाया, और फिर ये जाकर बैठा। ये देखिए गाइस बैठ गया, डर डर रहा है कि अरे अरे मैं कहाँ बैठा दी है। और गाइस इसका ना मुंह खुला का खुला ही रह गया बस, और ये डर रहा था ना कि ना जाऊँ मैं। गाइस एक पैर इसका जमीन में पहुँच गया था और दूसरा नहीं पहुँच पा रहा था, और गाइस इतना डर रहा था, मुंह पूरा खुला का खुला रह गया था कि अरे बाप रे कहाँ मुझे डाल दिया तुम लोगों ने, अरे कहाँ मैं हूँ, गिर ना जाऊँ। तो गाइस मम्मी ने तकिया लगा दी थी पीछे से और आगे से, और पीछे मम्मी ने गद्दा कहा था, गद्दा लगा दो, गद्दा तुम लोगों ने गद्दा लगा दिया था। फिर ये लगाकर थोड़ा सा बैठ पाए हैं, लेकिन एक पर इनका पैर ज़मीन में नहीं पहुंच रहा था गाइस, एक पैर पहुंच रहा था बस, पता नहीं कैसे बैठे थे, अब यही जाने। और गाइस मम्मी कह रही थे उड़ क्यों रहा एक पैर मारा, और फिर खुश हो गए कहते गाइस ये, पर गाइस मैंने थोड़ी सी इनके लिए भी रिकॉर्ड की है इनकी खुशी, उसके बाद फिर इतना खुश हो गए थे गाइस इसमें बैठने की बात है कि ये बोलना शुरू हो गया था, आपको दिखाती हूँ ये कैसे गाना गाते हैं ये। और गाइस इन्होंने सोचा कि हाँ फाइनली मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, और इस बात की खुशी इनको बेहद थी। देखी गाई मम्मी इनकी राल पोंछ रही है, इस दिन की राल जो है ना बहुत ज़्यादा निकल रही है। मम्मी ने बोला कि जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो उनकी राल बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है, इस तरीके से इनके राल बह रही थी आप देख सकते हैं, और ये बहुत इंजॉय कर रहा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये खुश हो जाते हैं गाइस, इसी तरीके से बात करते हैं हमसे। और गाइस ये देखिए हम, मैं जा रही हूँ मैंगो आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी शाम के टाइम, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ आइसक्रीम या ठंडा खा कर मुझे अपने आप को ठंडा करना होगा, तो इसलिए मैंने खा लिया है आइसक्रीम। गाइस ये पापा और बेटे की मस्ती माशाल्लाह बोल लीजिएगा, और ये पापा की गोद में आकर एकदम सुधर के बैठ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये पापा मुझे काट लगा ही दे। और गाइस बस ये पापा खिला रहे थे और ये मुझे ही देखे जा रहा था। तो बस ये है आज का छोटा सा व्लॉग, और ऐसे क्या हुआ कच्चू हमारा ना बॉटल पीकर रात को टाइम सो गया गाइस, और ये इसने उल्टे सुलटे कपड़े पहनकर अपनी क्या हालत बना रखी गर्मी से आप देख ही सकते हैं गाइस, और बस मुझे देख रहा था और बस इसे नींद आ रही थी, कह रहा था आपकी मेरा पैर दबाती रहो मैं सो जाऊँगा। तो ये था आज का व्लॉग गाइस, तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, फिर मिलेंगे आप लोग से नया व्लॉग, बताते हैं अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय फ्रेंड्स।